चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। क्लास टेंथ का मैकडॉट का केसीसी नंबर की 64.2 का प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 और 2 का सोल्यूशन कर लिए हैं। अगर जो नहीं देखे वीडियो कर लें, किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। बोल रहा है टाइप फर्स्ट में किसी संख्या के लिए दिए गए द्विघाती समीकरण के मूल होने पर जांच करना है, जो कि हमारा प्रश्न बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। ज्ञात करें कि x बराबर √3 और x बराबर -2√3 समीकरण इतना का हल है या नहीं। तो जांच करते हैं हम लोग। जब भी द्विघाती समीकरण को हल करते हैं तो हमारा दो वैल्यू आता है, जो कि दो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। एक्स बराबर एक है √3 और एक है एक्स बराबर -2√3। हमारा समीकरण है एक्स का स्क्वायर -3√3 एक्स प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब एक्स का वैल्यू इसमें रख कर देखेंगे, 0 के बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि यह समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं आएगा 0 के बराबर तो हम लोग कहेंगे नहीं है। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां √3 रखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जब जब एक्स बराबर क्या √3 रखते हैं, तो √3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और -3√3। अब यहाँ पे एक्स है तो √3 रखेंगे और प्लस में 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 और माइनस, यहाँ पे देखिए √3 में √3 से गुना होगा तो आएगा 3 और 3 में 3 से गुना होगा तो 9 और प्लस में 6 और इक्वल टू 0। अब 6 3 9 हो जाएगा और 9 - 9 = 0। अब यहाँ पे आ गया 9 - 9 गया 0 = 0, यानी कि ये 0 के बराबर आ गया। एक्स बराबर √3 रखे तो अब यहाँ पे फिर से रखेंगे, लिखेंगे पुनः जब एक्स बराबर क्या रखना है, अब -2√3। अब यहाँ पे हो गया हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर -3√3 एक्स प्लस में 3√3 एक्स प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां √3 रखेंगे, -2√3 का स्क्वायर -3√3 × -2√3 और यहाँ पे प्लस में 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, पहले माइनस का करते हैं तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 ही आएगा। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए माइनस है माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 और √3 √3 3 आएगा, 3 × 2 6 और 3 18 आ जाएगा, 6 × 3 कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 6 और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा ये सब जुड़ जाएगा तो 12 6 18 18 18 36 इक्वल टू आ गया है 0, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 36 ≠ 0, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, यह द्विघाती समीकरण इतना का हल नहीं है। लिखेंगे अतः x इक्वल टू कितना है √3 और x इक्वल टू -2√3। समीकरण कितना है एक्स स्क्वायर -3√3 एक्स और प्लस में 6 इक्वल टू 0 का हल नहीं है, का हल नहीं है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर जो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार और भी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। बी टॉप तक।